मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है रहीम के दोहे, मध्ययुगीन काव्य थर्ड। फर्स्ट हमने पढ़ा है रैदास वाणी, सेकेंड है सूरदास के पद, अब ये थर्ड है रहीम के दोहे। तो मध्ययुगीन काव्य के कवि हैं। अब इसमें फर्स्ट जो दोहा है वो है, रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म वृथा धरई, पशु बिनु पूंज विशान। रहीम दास जी कहते हैं कि जिसमें विद्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, यानी जिस मनुष्य ने विद्या प्राप्त नहीं की, अपने दिमाग से काम नहीं करता है, बुद्धि नहीं है, ना ही कभी धर्म किया, ना ही कभी यश प्राप्त किया यानी नाम कमाया, कुछ अच्छा काम किया, तो भू पर जन्म वृथा धरई, यानी ऐसा मनुष्य भूमि पर जन्म उसका कैसा है, व्यर्थ है, उसका जन्म इस भूमि पर व्यर्थ हो गया, जन्म लेना ही उसका व्यर्थ हो गया, ऐसा मनुष्य किसके समान है, जानवर के समान, और जानवर भी कैसा, जिसकी पूंछ और सींग ना हो, तो कैसा जानवर, सींग के बिना क्या जानवर, तो जिसके सींग और पूंछ ना हो। ये है फर्स्ट दोहा, यानी व्यक्ति को कुछ धर्म करते रहना चाहिए, अच्छे काम करते रहने चाहिए, रहीमदास जी ये सीख देते हैं। और हमें मतलब बुद्धि से काम लेना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और विद्या बहुत जरूरी है जीवन के लिए। तो ये है फर्स्ट दोहा रहीमदास जी का कि रहीमन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म चस्तान, भू पर जन्म वृथा धरई, पशु बिनु पूंछ विशान, पशु के समान है जिसके पूंछ और सींग भी नहीं है। सेकंड है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं जीवन में पानी को बनाए रखना चाहिए। अब पानी से उन्होंने क्या समझाने की कोशिश की है, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, उसे बनाए रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सब सूना है। अगर हमारी प्रतिष्ठा ही नहीं रहेगी, हमारे जीवन में हमारा कुछ नाम ही नहीं है, तो हमारा जीवन कैसा है, सूना है। जिस तरह जीवन में पानी जरूरी है, उसी तरह जीवन में प्रतिष्ठा भी जरूरी है। तो सेकेंड दोहा क्या है, पानी को क्या कहा है, पानी को क्या कहा है, प्रतिष्ठा। तो रहीमदास जी कहते हैं जीवन में जिस तरह पानी के बिना जीवन सूना है, उसी तरह जीवन हमारा प्रतिष्ठा के बिना भी सूना है। आगे बताया है, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। क्योंकि बिना पानी के कोई भी अपनी चमक नहीं पा सकता। मोती, मोती कहाँ होता है, पानी की गहराई में, तो मोती अपनी चमक नहीं दिखा सकता बिना पानी के। तो मोती और मनुष्य, मनुष्य बिना पानी के जी नहीं सकता। और चून यानी चूना, चूना सूखा रहेगा किसी काम का नहीं रहेगा, पानी में मिलाने से ही चमक बनेगी और तभी वह कहीं पर लगकर यूज होगा। तो जिस तरह बिना पानी के मोती, मनुष्य और चूना अपनी चमक नहीं पा सकते, उसी तरह मनुष्य के जीवन में प्रतिष्ठा जरूरी है, तभी मनुष्य जीवन अपनी चमक पा सकता है। फिर है, रहीमन कठिन चितान दे, चिंता को चित चेत। रहीमदास जी कहते हैं चितान से भी कठिन क्या है, चिंता। चिता से भी कठिन क्या है, चिंता। क्यों, क्योंकि जो चिता है, चिता कब जलती है, जब व्यक्ति मर जाता है, देह जब उसकी निर्जीव हो जाती है, उसमें जान नहीं रहती है, तब चिता जलती है। पर
चिंता को क्या करती है, हर दिन व्यक्ति को जलाती रहती है। उसके दिमाग में वही टेंशन टेंशन होके वो अंदर अंदर खत्म होता जाता है, हर दिन जलता है। चिंता तो एक बार ही जलाती है, पर चिंता तो उसे हर दिन जलाती रहती है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में चिंता को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि चिंता हमारे जीवन को खत्म हर दिन खत्म कर दी जाती है। तो इसलिए वे कहते हैं चिता दहती निर्जीव को। चिता तो किसे जलाती है, निर्जीव को, पर चिंता तो जीवित व्यक्ति को जलाती रहती है, जीवित व्यक्ति को। अब देखो एक ध्यान देना, चिता इस पर डॉट नहीं है इसलिए वो चिता, और चिंता इस पे डॉट है यानी टेंशन, चिंता यानी टेंशन। तो चिंता हमें नहीं करनी चाहिए, मतलब भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और अपने कर्म करते जाना चाहिए। नेक्स्ट है निज कर क्रिया रहीम कही सुधी भावी के हाथ। निज यानी अपने, कर यानी हाथ, अपने हाथों कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। निज कर रहीम, निज कर क्रिया रहीम कही। रहीमदास जी कहते हैं अपने कर्म किए जा सुधी भावी के हाथ, जो उसका रिजल्ट है परिणाम है वो भाग्य के हाथ छोड़ दे। भावी यानी भाग्य भी और भविष्य भी, तो भविष्य के हाथ छोड़ दे, क्योंकि पासे अपने हाथ में दाव ना अपने हाथ। अगर हम कोई भी खेल खेलते हैं ना, डाइस, डाइस हमारे हाथ में रहता है, हम ऐसे फेंकते हैं, पर वो क्या आएगा उसपे वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, वो किसके हाथ में रहता है, भाग्य के हाथ में। तो सिर्फ तू कर्म किए जा, अच्छे कर्म किएगा तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो और भाग्य अपना जो कर्म है बस कर ले, और परिणाम क्या है भाग्य के हाथ में छोड़ दे, क्योंकि पासे अपने हाथ में होते हैं, क्या आएगा दाव वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें अच्छे कर्म करते जाना चाहिए जिसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। फिर है रहीमन गली है सांकरी दूजो न ठहराई। रहीमदास जी कहते हैं जो प्रेम की गली है, भगवान को प्राप्त करने की गली है, वो बहुत संकरी है, नैरो है, बहुत पतली है। उसमें से आपू अहे तो हरी नहीं। आपू यानी अहम, अहंकार, मैं ही सब कुछ हूँ, अगर ये भावना है तो हरी यानी भगवान नहीं मिल सकते। गली बहुत सांकरी है, अब उसमें या तो अहम रह सकता है अहंकार, और या फिर भगवान रह सकते हैं। अगर अहंकार आ गया है तो प्रभु को पास होने के लिए, मतलब अपने हमारे हृदय तक आने में जगह नहीं मिलती है। तो आपू अहे तो हरी नहीं, अगर अहंकार है तो भगवान नहीं है, और अगर हरी तो आपुन नहीं, और अगर उस संकरी गली में, हृदय की संकरी गली में अगर भगवान आ गए हैं, प्रभु बस गए हैं, तो फिर वहाँ पर अहंकार की कोई जगह ही नहीं बसती, तो उस व्यक्ति को अहंकार नहीं आ सकता। इसलिए हमें सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट है रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पाताल। आपू तो कही भीतर रही और जूती खाए कपाल। रहीमदास जी कहते हैं ये जो जीव है ना, टंग, वो बहुत पागल है, बावरी है, जीवा बावरी कही गई सरग पाताल, क्योंकि ये तो बोल देती है और इसके बोलने से ही हमारे लिए क्या तय हो जाता है, स्वर्ग या नरक। अच्छा बोलेगी तो अच्छे कर्म करेंगे हम तो अच्छा बोलेगी, पर बुरे कर्म ये बुरा बोलेगी और हमें क्या मिल जाएगा, नरक मिल जाएगा। तो रहीमदास जी कहते हैं यह जीव तो बावरी है,
यही हमारे लिए स्वर्ग और नरक तय करती है, इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए। और ये खुद तो बोलकर क्या हो जाती है, अंदर चली जाती है, बच जाती है। मतलब कुछ भी हमने गलत बोला है तो मतलब अंदर हमारा शरीर उससे तकलीफ भोगता है, यानी जूती खाए कपाल। खुद तो बच जाती है बोलकर, और किसे मार पड़ती है, कपाल को यानी सिर को। यानी हम सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में इतनी चिंताएं आ जाती हैं, दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए हमेशा हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। फिर है, धनी रहीम जल पंक को लघु जीव पियत आए। कभी कभी छोटी सी चीज भी बहुत काम आ जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बड़ी चीज़ों में ही हम चकाचौंध में हम उसके आदि हो जाएं। छोटी छोटी चीज़ें भी काम आती हैं जब समय पर काम आए। वही चीज़ क्या है, अगर समय पर छोटी सी चीज़ भी काम आ जाए तो वही हमारे लिए बड़े भव सागर के समान है। तो रहीमदास जी कहते हैं, कीचड़ का पानी, चाहे कीचड़ का पानी है, गंदा पानी है, छोटी सी जगह पर है, पर वह भी धन्य है, क्योंकि जब वह किन्हीं छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाता है, प्यास तो बुझाता है, तो फिर उद्दी बड़ाई कौन करे, तो उस सागर की बड़ाई कौन करे, उस सागर की तारीफ कौन करेगा जहां से संसार प्यासा चला जाता है, प्यास नहीं बुझा सकता, उसका पानी खारा होता है तो लोगों को काम नहीं आ सकता। तो वो कहते हैं, मतलब बताने की क्या कोशिश की है, कि बड़ी बड़ी चीज़ों से कुछ नहीं होता है, जो चीज़ समय पर काम आ जाए वही हमारे लिए भव सागर के समान है, वही हमारे लिए विशाल है। तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ की निंदा नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ अपने समय पर काम आती है। अब है, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक की साधना करने से सब काम सिद्ध होता जाता है। इन्होंने प्रभु के लिए बताया है कि एक ही प्रभु की हम मन से साधना करेंगे तो हमारे काम सिद्ध होते जाएंगे, और सबको थोड़ी थोड़ी ऐसे करेंगे पर मन किसी में भी नहीं है तो कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। एक इसका ऐसे समझ सकते हैं। फिर देखो, अगर आपको नोट्स लिखने के लिए दिए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट सबके लिखने हैं, आप क्या सोचोगे, अरे ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी, तो आपका किसी में भी मतलब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकोगे एक विषय पर। इससे अच्छा तो क्या करेंगे हम कि एक ही सब्जेक्ट पर पहले पूरा ध्यान देंगे और उसको लिखेंगे। एक की साधना करेंगे तो एक पूरा होगा तो दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, सारे काम सिद्ध होते जाएंगे। उसी तरह एक पेड़ लगाया है, बीज लगाया है, आप बहुत सारे लगा दिए पौधे पर ध्यान किसी पर भी नहीं दिया तो क्या होगा, तो कुछ भी काम नहीं बनेगा। तो उसी पौधे को ही अगर फल मतलब पानी खाद सब देंगे समय अनुसार तो वह हमें क्या देगा, फूल और फल देगा। पर सबको देखेंगे और किसी पर भी ध्यान नहीं देंगे, सब एक साथ कर लिए तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो हमें जो भी काम करना है वो साधना से करना है और एक में ही मन लगाकर काम करना चाहिए। तो एक ही साधे सब सदै, सब साधे सब जाए। एक की साधना करने से सब काम सिद्ध होता है, सबको तरफ ध्यान देने से सब कुछ चला जाता है। रहीमन मूल ही सींची वो, फूल ही फल ही अगाए। रहीमदास जी कहते हैं, किसी कोई भी पेड़ प्राप्त करना है मतलब फूल और फल मिलने हैं तो पहले उसकी जड़ों को पानी देना होगा, जड़ों से उसे सींचना होगा, तभी हमें फूल और फल प्राप्त होंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई भी काम जो डगर हमने पकड़ी है उसकी साधना अगर मन से करेंगे, उसकी जड़ों को सींचेंगे तो ही हमें मंजिल मिलेगी। तो इस तरह ये रहीमदास जी के 8
दोहे हैं। फर्स्ट है कि जिसमें बुद्धि नहीं है, जस धर्म नहीं किया, वो किसके समान है? पशु के समान है, वो भी बिना पूंछ और सींग के। सेकंड है पानी और प्रतिष्ठा के बारे में बताया है कि हमें अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। फिर है चिता और चिंता के बारे में। फिर है अपने कर्म करते जाना चाहिए, परिणाम भाग्य के हाथ में छोड़ देना चाहिए। फिर प्रेम की गली, प्रभु को पाने की गली बहुत संकरी है, एक ही ठहर सकता है। फिर जीभ के बारे में, ये जीभ तो पागल है, ये हमारे लिए स्वर्ग और पाताल नरक के रास्ते तय कर देती है। फिर है कीचड़ का पानी भी तब अच्छा धन्य हो जाता है जब वह छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाता है। और एक की साधना करने से सब काम सिद्ध होता है, सबकी साधना करने से कुछ भी किसी में भी हम सफलता नहीं पा सकते। तो ये हैं रहीम के दोहे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके क्वेश्चन आंसर फिर से एक बार बता दूँगी। थैंक यू।